इसके लिए इतना होंगे। अब अर्थर आखिर उसी पानी आए ये जो इग्लो है ये बेसिकली डोम शेप्ड होता है इग्लो। इसमें हमने सेल्स बनाए हैं, बर्फ़ के सेल्स बनाए हैं पाइल करके, फिर इग्लो हमने क्रिएट किया है। 15 लोग इसमें मुसलसल काम कर रहे थे 20 दिन के लिए। खाने के लिए हमने इसमें शॉर्ट मेन्यू एक रखा है, उसमें दो चार कश्मीरी क्यूजिन है, इसमें थोड़ा चाइनीज़ भी रखा हुआ है। तो शॉर्ट मेन्यू इसलिए रखा है क्योंकि जल्दी जल्दी सर्व होना चाहिए ताकि जो गेस्ट लोग हैं वो खा सकते हैं। ये एशिया का लार्जेस्ट ये इग्लो बना हुआ है जो कि 22 फीट डायमीटर है इसका, 12.5 फीट इसकी हाइट है। कश्मीर आके हमें लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं और 2 दिन से हम गुलमर्ग में हैं। तो ये जो इग्लू यहाँ पे आपको दिख रहा है वो एशिया का लार्जेस्ट इग्लू है और बींग एन इंडियन हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है कि ये सच में स्विट्जरलैंड जैसा ही है, यहाँ पे सबको आना चाहिए, टूरिज्म इज अमेजिंग। एंड ये इग्लू बहुत ही मेहनत से बनाया गया है एंड बहुत अच्छा है। मैं और मेरे हस्बैंड रोज 2 दिन से यहाँ आ रहे हैं, हॉट चॉकलेट कावा के मजे उठा रहे हैं इस वेदर में। सो ये बहुत ज्यादा अच्छा है और मैं यहाँ वापस जरूर आना चाहूंगी। ये जो इग्लू बनाया है पूरा बर्फ से तराश के बनाया गया है और इसकी थिकनेस मुझे दिख रही है शायद 6 से 7 फीट, और जैसे बोला जा रहा है कि करीबन 20 मजदूर लगे हुए थे इसमें और काफी मेहनत की है, मतलब बोल सकते हैं पूरा खून डाल के बनाया हुआ है। और आप देखेंगे कि पूरा डिजाइनिंग ये वो, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अलास्का में हूँ या तो स्विट्जरलैंड में हूँ। एशियाज बिगेस्ट इग्लू, आई एम रियली प्राउड ऑफ सेइंग दिस कि हमारे यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, पहली बार देखी है मैंने और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कभी भी बर्फ की जगह पे आते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि यार एक इग्लू देखने मिल जाए या यहाँ के लोकल कल्चर देखने मिल जाए। तो जब यहाँ पर ये इग्लू बना हुआ है, ये इग्लू इतना शानदार और इतना अच्छा आर्किटेक्चर है कि छोटी छोटी जगहों पे इसका छोटा छोटा आर्किटेक्चर किया हुआ है जो बहुत सुंदर दिख रहा है। और रही बात दूसरी की, इतने ठंडे माहौल में अगर आप यहाँ पर आके गरम गुलाब जामुन खा ले और यहाँ पर कश्मीरी कावा पी ले तो उसका मजा ही कुछ अलग है। पार्क में एशिया का बहुत बड़ा बनाया हुआ है, उसमें कार्विंग भी बहुत अच्छी की है। इसको बनाने में 20 दिन लगे हैं और यहाँ के मजदूरों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ की जो टेबल कुर्सी है जो बनाई है वो पूरी बर्फ की है, उसके ऊपर ये चमड़े का डाला हुआ है, इसके वजह से आपको यहाँ पे ठंड भी नहीं लगे। यहाँ का कावा बहुत ही अच्छा है, चाय कॉफी भी बहुत बढ़िया है। मैं चाहती हूँ और भी गुलमर्ग में ऐसे 8-10 इग्लू बने और टूरिज्म ज्यादा आए और यहाँ पे आगे जाके रहने के लिए भी इन लोग एक नाइट स्टे बना सके, ऐसी मेरी इच्छा है। तो मैं जरूर वापस यहाँ पे आऊंगी कि अगर यहाँ पे नाइट स्टे मुझे